हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम करी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल खतरा कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। मतलब जिस टाइप के कमेंट्स आ रहे थे, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट क्या 5,000 तक जा पाएगा, या फिर हम लोग कह सकते क्या ये 6,000 तक जा पाएगा। मतलब यही पूछना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट फिलहाल की जो करंट लेवल है उससे क्या वो बहुत ही निफ्टी ज़्यादा ब्रेक होके 6,000 5,000 तक जा सकता है भी या नहीं। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। एंड वापस मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का मार्केट में पैसा कितना भी लगा हो, मेरा भी लगा है, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा है, बट आप लोगों ने सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव न्यूज़ होते हैं उनको हमेशा वो इग्नोर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी न्यूज़ है हम लोगों को देखनी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उनको हम लोगों ने खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है आपसे और मेरे से कोई छुपी नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि फ़िलहाल की सिचुएशन क्या चल रही है। सो इसी से रिलेटेड जो डेटा मैं आपके सामने रखूँगा, जो न्यूज़ सामने आ रही है उसको अगर हम लोग देख लेते तो उससे अंदाज़ा आ सकता है कि क्या मार्केट यहाँ पे जो लेवल आप लोग मुझे पूछ रहे थे क्या 7,500 6,000 5,000 तक यह जा सकता है। सो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, उसके बाद आप लोग खुद यहाँ पे जो आप सवाल पूछ रहे थे उसका आंसर देने के लिए समर्थ हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आज के दिन मैंने यहाँ पे 3 वीडियोस अपलोड कर दिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। तीनों के तीनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो एक वीडियो था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि कसम खा लो कि एक भी शेयर आप लोग सेल नहीं करोगे, अगर ये 6 शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग है अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो आप लोगों ने ज़रूर होल्ड करनी चाहिए। इनफैक्ट आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो की लिंक शायद से आपको नहीं पहुँची होगी, नोटिफिकेशन नहीं पहुँची होगी। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ तीनों वीडियोज़ की, तो कोई वीडियो अगर आपका मिस आउट हो चुका होगा तो ज़रूर जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तीनों से मैंने यहां पे बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे हम लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट का रियल थ्रेट आप सभी लोगों के सामने यहां पे मैं रखने वाला हूं। फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है निफ्टी हमारा 8,000 के यहां पे ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब उसके ऊपर उसके नीचे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो यही क्वेश्चन है, 6,000 तक क्या 5,000 तक, मतलब मैसिव गिरावट निफ्टी में, वापस 1,000 से 2,000 पॉइंट की गिरावट क्या हो सकती है। तो वापस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फिलहाल की सिचुएशन आप लोगों को समझनी चाहिए। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग ये भी नकारा नहीं जा सकता क्या निफ्टी यहाँ पे 4,000 तक भी आ सकता है। यस दोस्तों, ये सच्चाई है, क्योंकि अगर आप सभी लोगों को पता है अगर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कोई टेक्निकल्स काम नहीं करने वाले। मतलब पहले तो 12,000 पे था, 11,000 सपोर्ट लेवल बताते थे, बाद में 10,500, बाद में 10,000, उसके बाद 9,500, 9,000। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि सपोर्ट लेवल तो टेक्निकल फॉर्म में हमेशा बताते, बट फिलहाल की सिचुएशन में ये काम नहीं कर रहा है। फंडामेंटल्स की भी बात करें तो वो भी काम नहीं कर रहे। तो फिलहाल जो आप लोग आंसर ढूंढ रहे हैं क्या ये निफ्टी इतना नीचे जा सकता है, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से मिलेगा, एंड वो है न्यूज़ की एनालिसिस करने के ऊपर। यस दोस्तों, आप न्यूज़ को एनालिसिस करना, उसके बाद ही आप लोगों को आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा, किसी की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, ये है डो जोन्स इंडस्ट्रियल। आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन स्टॉक मार्केट का बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स, इसको हम लोग DJI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते फिलहाल ये कितना क्रैश हो रहा है, 1.5% 2%, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पिछले कुछ दिनों में भी देखोगे, 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी ओपन करोगे, तो इतनी भयंकर गिरावट नहीं देखने को मिल रही है जितनी हम लोगों को पिछले 1 महीने में या फिर 6 महीने में इसने हम लोगों को देखने दिखा चुके थे। मतलब आप देख सकते 6 मंथ में अगर हम लोग पिछला देख लिया, कुछ वीक्स भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लिए चार्ट्स में, अगर हम लोग चेक करते तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। मतलब हम लोगों को लगभग डो जोन्स जैसे चीज़ों में हम लोगों को 1,000 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलती थी, जो कि हम लोगों को सिर्फ पहले 2 से 3 बार ही देखने को मिली थी, उसके बाद 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, 6 बार हुआ, कंसिस्टेंटली हुआ होते ही रहा। अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स यहाँ पे हम लोगों को लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। यस दोस्तों, एंड ये 1 या 2 बार नहीं, आप लोगों को बहुत बार देखने को मिला था। सो ऐसी चीज़ क्या थी अमेरिकन बाजार में, क्यों यहाँ पे लोअर सर्किट लग रहा था, एंड अभी यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगने को देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर अमेरिका की हालत अगर हम लोग ने यहाँ पे देख ली, कोरोना वायरस का ये डेटा है, 3,23,065 केसेस यहाँ पे आ चुके हैं, 9,000 से भी ज़्यादा डेथ हो चुकी है, 16,500 रिकवर हो चुके हैं। सो अमेरिका में इतने ज़बरदस्त तबाही हो रही है, बट अभी मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लोअर सर्किट देखने को नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों? सो दोस्तों, यही तो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ये बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ।
अमेरिका में भी जो एक पीरियड था उन्होंने बताया था, इंपॉर्टेंट पीरियड, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 21 दिन का लॉकडाउन। सो अमेरिका में भी ऐसी चीज़ें बताई जा रही थी कि आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड ये 3 से 4 हफ्ते में जैसे ही आंकड़े सामने आना शुरू हो चुके थे, जिस तरीके की स्पाइक न्यूयॉर्क सिटी में हम लोगों को देखने को मिल रही थी, उसके बाद अमेरिकन मार्केट में कंसिस्टेंटली गिरावट हो रही थी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं अमेरिकन मार्केट में सारी चीज़ें अभी सामने हो चुकी है, डेटा भी सामने हो चुका है कि यहाँ पे एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि लगभग 2 लाख, यस दोस्तों 2 लाख लोग यहाँ पे मर सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। ये अमेरिकन बाजार एंड अमेरिकन कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनके डेटा के हिसाब से उन्होंने बताया था कि 2 लाख यहाँ पे डेथ हो चुकी है कोविड-19 से रिलेटेड उनकी कंट्री में। सो डेटा क्लियर हो चुका है एंड उसके बाद अमेरिका में ये कंसिस्टेंटली डेटा बढ़ रहा है, स्टिल यहाँ पे उनके बाजार में इतना प्रेशर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। बट जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे इंडियन मार्केट क्या इतनी ज़बरदस्त गिरेगा, सो दोस्तों वापस मैं बताना चाहता हूँ इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा ये 21 दिन के लॉकडाउन खत्म होते हुए। फिलहाल अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो फैक्ट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा डेटा बहुत ही पीछे था बट अभी ये सामने आना शुरू हो चुका है। फिलहाल की केसेस 4,182 हो चुके हैं, 118 डेथ भी हो चुके हैं एंड 315 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। सो 4,000 का लेवल है हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस कर लिया। एंड जो मेन प्रॉब्लम है उस न्यूज़ के ऊपर मैं अभी आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ, तो आप लोगों को जो आपको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। सो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया मिंट ने कोविड से रिलेटेड ये ट्रैक किया हुआ है कि इंडिया में जो कोरोना वायरस का कर्व है वो हम लोगों को बहुत ही स्टीपन वे में देखने को मिल सकता है एंड केस कुड बी द रीच 10,000 इन अ 10 डेज। यस दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आप लोगों को 10,000 तक के केसेस इंडिया में देखने को मिल सकते हैं एंड जिस तरीके का डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है उससे हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिलहाल आप देख सकते 4,000 भी पार हो चुके हैं एंड जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे, पिछले दिनों में 3,000 पार थे, आज हम लोगों को 4,000 क्रॉस होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड यही थ्रेट इंडिया को यहाँ पे सता रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर कोविड-19, अगर हम लोग कोरोना वायरस की अगर बात करें, उसका ग्राफ अगर इंडिया में अगर ऊपर चला जाएगा तो यस दोस्तों स्टॉक मार्केट का ग्राफ हम लोग को बहुत ही वे में नीचे जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो एक कम्प्लीटली डिपेंड करता है जो आप लोगों का सवाल है कि यहाँ पे क्या 7,500, क्या 6,000, क्या 5,000 तक निफ्टी आ सकता है। सो एक कम्प्लीट डिपेंड करता है 21 दिन के लॉकडाउन में ये डेटा कितना सामने आ जाता है, क्या यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड से रिलेटेड कितनी चीज़ें अफेक्टेड है, कितने बड़े बड़े सिटीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अगर 21 दिन में हम लोगों को अगर ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है, मैनेजेबल मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया 10,000, 15,000, 20,000 भी केसेस इंडिया आराम से हैंडल करेगा, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश की हुई है। बट अगर उससे ज़्यादा केसेस स्पाइक होना शुरू हो जाते हैं सो ये 21 दिन का लॉकडाउन आप सभी लोगों को पता है ये आगे एक्सटेंड होने की पूरे चांसेस है। एंड अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाएगा तो आप सभी लोगों को पता है इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होना ही होना है। क्योंकि इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने, मिस्टर मोदी जी ने यहाँ पे बताया था कि इंडिया यहाँ पे 21 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, आप सभी लोग पता है स्टॉक मार्केट हमारा किस तरीके से क्रैश हुआ था। सो ये लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या इंडिया फर्दर लॉकडाउन की ओर जाएगा एंड अगर जाता है तो वो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं जाना चाहिए। एंड अगर वो ऐसा हो जाता है तो आप सभी लोग पता है यहाँ कोई नहीं रोक सकता, स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा। सो ये लॉकडाउन जितनी लंबी चलेगी हम लोग कह सकते हैं उतना ही स्टॉक मार्केट अफेक्ट हो जाएगा। फिर आपका लेवल जो आप पूछ रहे थे 6,000, 5,000, क्या 4,000 तक भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है आने वाले ये 21 दिन का जो लॉकडाउन का पीरियड था, मतलब अभी बचे हुए दिन उसमें डेटा कितना सामने आता है एंड उसके बाद किस तरीके का डिसीजन यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और यही चीज़ अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे इस वेबसाइट के ऊपर, उन्होंने बताया द नंबर ऑफ अन रिपोर्टेड कोविड-19 केसेस इन इंडिया हैज़ जंप 50% ओवर द पास्ट 2 डेज। 2 दिन में ही हम लोगों को 2,000 केसेस, मतलब ईच डे अगर हम लोग बात करें तो 1,000 केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने देख लिया था 4,000 हो गए। हम लोग नहीं चाहते कि ये केसेस और भी बढ़े बट ये प्रैक्टिकल चीज़ है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वापस मैंने कहा इमोशनल लोग यहाँ पे दुखी हो जाते कि सर ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मत बताना, बट ये प्रैक्टिकल है, आप सभी लोगों को पता है जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एंड सिर्फ इंडिया अफेक्टेड नहीं, पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है एंड परेशान भी है। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ अन अ फास्टर इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस 48 आवर्स। यस दोस्तों मतलब पहले यहाँ पे 35% तक की ग्रोथ हम लोगों को कोविड-19 के केसेस में देखने को मिल रही थी, जो कि इंडिया में अभी 50% होती हुई देखने को मिल रही है। अगर ये 60%, 70%, 80% होना शुरू हो जाएगी तो आप सभी लोग पता है कि
मजबूरन आके गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ेंगे, मतलब फर्दर लॉकडाउन, एंड उसी के साथ साथ और भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो ये सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को, जो कि हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते। इसीलिए सरकार कंसिस्टेंटली बोल रही है कि घर पे बैठो, अगर ये घर पे अगर आप 21 दिन संभाल लोगे तो वापस सारी चीज़ें नॉर्मल शुरू हो जाएगी, एंड वापस हमारा स्टॉक मार्केट रूटीन पे आना धीमे धीमे करके शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये जो ग्राफ आपके सामने है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एंड इसके ऊपर सारा खेल है। आप सभी लोगों को दिख रहा है एक रेड लाइन जो कि ऊपर गई थी एंड बाद में नीचे आई है, ये है चाइना की लाइन, मतलब चाइना का ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि चाइना में कोविड-19 के पेशेंट्स कितने थे, एंड यहाँ पे बढ़ रहे थे, बाद में फ्लैट हो गया एंड बाद में वो ग्राफ नीचे आ गया। अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक और एक ब्लू लाइन आपको दिख रही है बहुत ही लाइट लाइन में, वो है साउथ कोरिया एंड जापान की लाइन। हम लोग कह सकते कैसे साउथ कोरिया एंड जापान में भी दिख रहे थे, बट वापस वो लाइन नीचे आ रही थी। एक लाइन आप लोगों को दिख रही है बहुत ही तेज़ी रफ्तार से ऊपर जा रही है एंड वो अभी तक फ्लैट नहीं हो रही है, ये है यूएस की लाइन, हम लोग कह सकते अमेरिका की लाइन। एंड जो आप लोगों को ऑरेंज में देखने को मिल रही है, यह है इंडिया की लाइन। सो इंडिया का मार्केट का लाइन आप देख सकते हैं, अमेरिका की तरह हम लोग तेजी से ऊपर नहीं जा रहे, बट यस हमारा लाइन भी कोई ऐसा नीचे नहीं जा रहा है, फ्लैट नहीं जा रहा है। सो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि अमेरिका में आप लोगों को इतने केसेस देखने को क्यों मिल रहे, क्योंकि वहाँ पर टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोगों की टेस्ट की जा रही है, इसीलिए हकीकत वाला जो एक्चुअल नंबर है वो सामने आ रहा है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, आप सभी लोग पता है हमारे पास टेस्टिंग किट एज कंपेरेटिवली कम है, हम लोग बहुत ही लिमिटेड टेस्ट यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं, जिसमें सिम्टम्स ज़्यादा मिल रहे हैं उन्हीं की टेस्टिंग यहाँ पे की जा रही है। अगर टेस्टिंग ज़्यादा हो जाए तो शायद से इंडिया का जो नंबर है फिलहाल हम लोगों को और भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, यही एक डेटा है जो कि मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी वो टेक्निकल्स काम नहीं करने वाले, फंडामेंटल्स काम नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शुरुआत में ही बता दिया कि टेक्निकल्स तो ये भी बता रहे थे कि 11,000 के ऊपर सपोर्ट है, टेक्निकल्स ये भी बता रहे थे 10,500 के यहाँ पे सपोर्ट है, 10,000 के ऊपर सपोर्ट है, 9,000 के ऊपर सपोर्ट है, 9,500 था, 8,800 था, 8,500 था, टेक्निकल्स हमेशा सपोर्ट दिखाएंगे। बट आप सभी लोगों को पता है ये सारे टेक्निकल्स फेल क्यों हो जाते, क्योंकि न्यूज़ फिलहाल की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, एक्सटर्नल न्यूज़ है, एंड इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने कहा था कि अगर कोरोना वायरस का ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो हमारा इंडियन मार्केट का भी ग्राफ हम लोगों को उतनी तेज़ी से नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कोरोना वायरस का अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, अगर वो ऊपर जाते जाते फ्लैट होकर नीचे आना शुरू हो जाता है तो हमारा इंडियन मार्केट का ग्राफ भी जो नीचे जा रहा है वो भी आप लोगों को रिकवर होते हुए ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, वापस कह रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे जो आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हो, इसका लॉजिक सिर्फ एक ही है जिसका आंसर आप खुद देख सकते हो। क्या मार्केट यहाँ पे 7,500 तक जा सकता है अगर केसेस बढ़ेंगे कोरोना वायरस के? तो यस, यहाँ पे जा सकता है। सिर्फ केसेस बढ़ेंगे उससे रिलेटेड ऐसा नहीं है दोस्तों, केसेस बढ़ेंगे तो सरकार को मजबूरन लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, एंड लॉकडाउन बढ़ेगा तो बिजनेस चलेंगे कहाँ से? बिजनेस नहीं चलेंगे तो आप सभी लोगों को पता है पैसा ही नहीं कमाएगा, फ्लो कहाँ से आएगा? सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों को लॉजिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। और यही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, यही ये सारी वेबसाइट के ऊपर लिखी गई है कि अगर इंडिया में केसेस ऐसे होते रहे तो 10,000 केसेस हम लोगों को नेक्स्ट आने वाले 10 दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं। सो इसी को हम लोगों ने कम करना है, वरना हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस का अगर ग्राफ ऊपर जाएगा सो मजबूरन सरकार को जो लॉकडाउन है वो और भी आपके और मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा। एंड अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो निफ्टी सेंसेक्स का ग्राफ है वो और भी तेज़ी से नीचे आ सकता है। सो दोस्तों, जिस तरीके की लॉजिक थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। सो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 7,000, 5,000, 6,000, 4,000 ये नीचे आने की सब बातें कर रहे, बट इसके पीछे की जो लॉजिक है वो है कोरोना वायरस की जो नंबर्स है एंड फर्दर होने वाले लॉकडाउन से रिलेटेड। सो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपना लॉजिक भी बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या 21 दिन के बाद क्या लॉकडाउन यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा और कितने दिन तक हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है? ये सारी चीज़ें नीचे बता देना तो बाकी सारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हो। सो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड जो प्रैक्टिकल चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। कोई टेक्निकल्स काम नहीं करने वाले एंड कोई फंडामेंटल काम नहीं करने वाले, न्यूज़ के जो आंकड़े हैं उससे हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा या नहीं। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले फिलहाल की सिचुएशन को देख के मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपना भी कंक्लूजन जरूर रखूंगा, मैं गलत जा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा सा, मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि केस अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को इधर ही केसेस को फ्लैट करना है। जो ग्राफ हम लोगों का ऊपर जा रहा था वो अगर एक बार फ्लैट होना शुरू हो जाएगा सो खुद ब खुद
कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे वापस शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि फर्दर मुझे ऐसा लगता है कि 21 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हो सकता है, उसके बाद चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाती है तो ये लॉकडाउन को हटाया जाएगा धीमा धीमे करके एंड वापस सारी चीज़ें नॉर्मल शुरू होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।